पेज नंबर 102, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन, फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक करेक्ट मार्क, ओके, यस इट। ये आपका रेड लाइन दे के रखा है, ये बीच में ये रेड लाइन दे के रखा है, ठीक है। इस रेड लाइन के दाहिने तरफ हमें देखना है जो लेफ्ट, यहाँ पर अगला कौन आएगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक दो बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे, ठीक। देखिए ये इधर है, ये इस ऐसे है, ओके, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ रोटेशन 45 डिग्री है, आप अगर इसे ऐसे मान के रखिए, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे, तो आपने देखा कि ये 45 डिग्री का टर्न है, ओके, 45 डिग्री, ओके, यस। तो अब आप समझ जाएंगे कि 45 डिग्री वाला टर्न कौन सा है, ये आपका ये आएगा, ये है ना, तो आपका ये होना चाहिए, ये वाला फिगर, ओके, क्योंकि ये ऐसा है, ओके, ये ऐसा था, अगला वाला इतनी रोटेशन पे होगा, यही है, ठीक है, तभी तो 45 डिग्री होगा, ओके, यस। इसमें देखिए सारे 90 डिग्री टर्न पर रहे हैं, ठीक है, बी में सारे 90 डिग्री टर्न पर हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, यस। यहाँ पर देखिए, ये हम ले लेते हैं ऐसा, ठीक, ऐसा मान लीजिए हमने खींच लिया, अभी ये देखिए आपको ये, ठीक, ये वाला ऐसा है, ये आप स्ट्रेट मान के रखिए, फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पे आया, अगर ये ऐसा था तो ऐसा हो गया, ठीक, तो अभी ये 90 डिग्री का हो गया। अब की बार देखिए, ये वाला ऐसे हो गया, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। फिर से देखिए, ये अगली बार ब्लू इधर है, ठीक है, मतलब ये ऐसे हो गया, अभी देखिए 90 डिग्री का हो गया, ठीक, तो ये 90 डिग्री के, लेकिन ये यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे नहीं होना था इसको, इसको तो इधर में होना था, ठीक, क्योंकि ये इधर में आता है ना, ये टर्न इधर की तरफ होता, हो तो ये भी रहा, लेकिन वो ज़्यादा राउंड में हो रहा है, ठीक, यस। तो आपका आंसर कौन सा है, ये सेकंड वाला सही है जिस पे टिक लगा है, ये आपका ये वाला सही है, ये आंसर आपका सही है, ठीक। इसके बाद ये आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन सब में बोला क्या जा रहा है, आपने ये चीज़ नोटिस नहीं, ये क्लॉक वाइज है, ठीक है, आपको ये चीज़ तो हमने बताना ही छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए क्लॉक वाइज, ये ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ठीक, फिर से देखिए ये इधर से आके मुड़ गया, फिर ये देखिए इधर आके मुड़ रहा है, ठीक, ये सॉरी इसमें नहीं होगा, ये नहीं, ये तो गलत है, ये वाला, ठीक, ये देखिए, ये इस बार ऐसे होना चाहिए तो इधर आएगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए ये तो ऊपर चला गया, ये ऐसे इधर थोड़ी घूमेगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ओके। तो आपने देखा कि सबको ये इधर था, इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये अब नीचे जाएगा, मतलब नीचे जाने वाला कौन है, ये है, ठीक, ये तो ऊपर है, ये यहाँ से आया है, ऐसा तो था नहीं, ठीक, तो
तो ये गलत है, ये आपका सही है। ठीक, हाँ ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, सी वाला भी। अब आप समझ जाएंगे ये 90 डिग्री पर टर्न ले रहा है, ठीक है। एंड इन डी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न, ओके यू कैन सी इट। देखिए यस, ये ऐसा था, ठीक है, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक, मतलब इधर हो गया। फिर ये देखिए इसका वाला, ये अगर फिर से टर्न लेता है तो देखिए इधर ही तो टर्न होता है इसका, ठीक। बात समझ नहीं पा रहे हैं? अच्छा, आपको मैं ये नीचे से करके दिखाता हूँ, ये इधर है, ठीक है, ये ऊपर वाला देखिए, ये इधर छोटा है, इधर मोटा है, ठीक। अब ये जब हम इसको इधर की तरफ घुमाएंगे, इधर की तरफ घुमाएंगे, तो ये इधर मोटा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, ठीक, इधर छोटा हो जाएगा, ये ऐसे, ये देखिए सेकंड वाला मिल जाएगा आपको, ये वाला, ठीक। फिर इसको जब इधर से घुमाएंगे, मतलब 90 डिग्री पर, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर, और फिर से जब इसको घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। अब इसको जब घुमाएंगे तो ये मोटा वाला पोर्शन इधर जब घुमाएंगे तो ये इधर छोटा है टर्न, देखिए ये इधर छोटा है, इधर मोटा है इस वाले पिक्चर में, ठीक। तो हम जब इसको फिर से एक बार घुमाएंगे तो हमको मोटा जो है मिलना चाहिए ऊपर, और उसका छोटा नीचे मिलना चाहिए, और मोटा नीचे ऊपर, छोटा नीचे, ठीक है। तो ऐसा कौन है? ये है, ठीक। तो अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये उल्टा घड़ी के दिशा से उल्टा घूम रहा है, ठीक। हाँ, अब हम अगला करते हैं। तो अब आ गए पेज नंबर 102 कंप्लीटेड, ये आप देख लीजिएगा पिक्चर ठीक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, अब हम अगला करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे के रखा है, लुक फॉर अ पैटर्न, ठीक, ये आपको पैटर्न दे के रखा है। तो इसमें मेक द पिक्चर व्हिच इज ब्रेकिंग द रूल, ठीक है, इसमें आपका मर्जी है, कुछ आप और ले सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, आप उल्टा चल सकते हैं, ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट साइड चल सकते हैं, आप इधर से नहीं, आप इधर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से आप चलते हैं तो हमारे वाले अकॉर्डिंग में आएंगे, अगर इधर से चलते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और आपका आंसर वायरी कर सकता है मेरे आंसर से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए, ये ऊपर बिंदी है, नीचे बिंदी है, ऊपर बिंदी है, नीचे बिंदी है, ऊपर बिंदी है, फिर नीचे होना चाहिए, तीसरे में नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। अब मान लो कोई इधर से चलता, मान लो कोई इधर से चलता बोलता कि ऊपर बिंदी है, ऊपर बिंदी है, ऊपर बिंदी है, इसमें नीचे बिंदी आ गया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसका ये आंसर होता कि नहीं, तो फिर ये वाला कर देता। अच्छा, इसका इसी तरह से इधर से भी हो सकता है, ठीक है, तो अपने अपने विचार हैं। तो हमने क्या किया, सबको लेफ्ट टू राइट लिया है, इसमें आप प्रतिबंधित नहीं हैं, ठीक है, कि आप, हमने लेफ्ट टू राइट लिया है, हम बाएं तरफ से स्टार्टिंग हमारा लेफ्ट से है, स्टार्टिंग पॉइंट इज लेफ्ट एंड एंडिंग पॉइंट टू राइट, ठीक है, अंत कहाँ को होता है, राइट को, लेफ्ट टू राइट। अब आप सोच लीजिएगा कैसे करना है। हाँ, तो अब देखिए हमने इसमें किया, इसका देखिए यहाँ पे, अब आपको सीधे आंसर दिखा देते हैं, क्या समय बर्बाद करना, ये आप देख लीजिए सीधा, ये आपको दिया गया है, हमने इसका ए का आंसर ऐसा होना चाहिए, ये वाला
ऐसा होना चाहिए था नीचे, ठीक। अच्छा बी का, बी में देखिए आपको अम्ब्रेला दे के रखा है, बी का आंसर ये वाला अम्ब्रेला ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक। यस सी में, सी में देखिए ये जो पक्षी दिया है ये पक्षी ऐसा होना चाहिए, ये देखिए ये सारे ऊपर हैं, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको भी नीचे होना चाहिए था, तो ये नीचे होना चाहिए, ठीक। आप इधर राइट टू लेफ्ट चलेंगे आपका वो दूसरा आंसर आएगा, ठीक है, मेरे आंसर से वैरी कर जाएगा। अच्छा डी में देखिए, डी में क्या है कि ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर देखिए कुछ ज़रा हट के है, ठीक, आप गौर से देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये देखिए इसमें बीच में गोला नहीं है, ठीक है, बीच में सर्किल नहीं है, तो इसमें सर्किल होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये पिक्चर ऐसे होना चाहिए। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर, तो मैजिक स्क्वायर में इसमें क्या बोला है कि इसको आप ऐड करिए, ठीक है, इसको आप इधर से ऐड करिए 150 मिलना चाहिए, इधर से ऐड करिए 150 मिलना चाहिए, इधर से 150, इधर से ऐड करिए 150, इधर से ऐड करिए तो आपको 150 मिले, इधर से ऐड करिए 150 मिले, इधर से ऐड करिए 150 मिले, इधर से ऐड करिए 150 मिले, तो ऐसे सब में करना है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, ठीक है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अच्छा अब इसमें क्या कर रहा है, इसको आप ऐड करो, ऐसा स्क्वायर मैजिक बनाओ कि उसको ऐड करने पे आपको 75 मिले, ठीक है, तो आप देखिए इसको 75 आपको मिलेगा इसमें, ठीक, 75 कैसे मिलेगी, इधर से ऐड करिए 75, इधर से 75, इधर से 75, इधर 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 इधर, ठीक है, तो आप किधर से भी ऐड करेंगे आपको 75 मिलेगा, ठीक। तो चलिए ये भी पेज कंप्लीट हुआ आपका, पेज नंबर 103 कंप्लीटेड, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पेज, ये आ गया आपका पेज नंबर 104, ठीक है, तो यहाँ पे दे के रखा है, ये आपको मैजिक दे के रखा है, इसमें मैजिक कुछ नहीं है, केवल आपको टेबल याद कराने का मैजिक है, ठीक है, आपको 20 तक टेबल आना चाहिए, तो ये देखो ये 14 5 70, ये 14 7 98, ये 10 7 70, ये 2 10 20, 13 2 26, 13 5 65, ठीक, तो यही आंसर है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखोगे, आप सीधी सी बात आप बताओगे, यहाँ पर 10 7 भी लिख सकते हो और 14 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें दिया गया है। अच्छा इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अब आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक, तो अब आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अच्छा इसमें लिखा है नाउ यू आल्सो मेक योर ओन मैजिक हेक्सागन, ठीक है, तो हम अपना ये आप पेज पहले देख लीजिए, फिर हाँ ओन हेक्सागन ये देखिए, ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं, ये है आपका नंबर्स एंड नंबर्स, ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए आपको थोड़ा सा सोचना है, वैसे अभी आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव
एसोसिएटिव ये सब नियम पढ़ाए गए हैं, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन में करते हो गड़बड़ा जाता है, वहाँ पे फॉलो नहीं करता। तो ये आप क्लास सिक्स में पढ़ोगे। अभी आप ये सीखो कि जो चीज़ नई है उसे लिख देना है। देखिए आपको मैं इधर दिखाता हूँ, 215 है, 215 इधर है, 120 इज़ प्रेजेंट, 120 इज़ प्रेजेंट, 600 इज़ प्रेजेंट, 600 इज़ प्रेजेंट हेयर, ओके यस। अब आपको नेक्स्ट में यस 19 इज़ प्रेजेंट हेयर एंड इज़ हेयर, ओके, एंड 24 इज़ प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड 24 इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, 37 प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 37 प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, ओके, दिस इज योर इक्वल साइन, ओके यस। अब आप समझ चुके होंगे, आर दे इक्वल, यस इक्वल होंगे। आप अगर चाहो तो इधर ऐड कर लो, 37, 24, 19 को ऐड करो, जो आपको मिलेगा वही 37, 24, 19 को ऐड करने पे मिलेगा, 200, 120, 600 को ऐड करने पे जो मिलेगा वही 600, 215 एंड 120 को ऐड करेंगे। इसमें इधर का उधर काट देने पे लेफ्ट टू राइट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड राइट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आप पूछ रहे हैं आर दे इक्वल, यस हाँ है, तो आप यस बोल देंगे। अब आपको बोला है कि इसमें आप भरिए, तो आप यहाँ पर 14 है तो यहाँ भी 14 है, मतलब हमें 34 लिखना है क्योंकि यहाँ पे है, और हमको 20 लिखना है क्योंकि यहाँ पे है, बस हो जाएगा। अब आपको 42 दिया है, यहाँ यहाँ पे नहीं है तो हम 42 लिख देंगे, यहाँ 65 है, यहाँ पे 65 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। और 80 आप इधर लिख दीजिए क्योंकि इधर दिया है, ठीक, इधर 80 दिया है। चलिए अब हम अगला करते हैं, ये आ गया आपका, कहाँ आगे चला आया, यस। तो अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, 80 लिख दिया। अब आप अगला ऐसे कर लीजिएगा, इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 1, किसी को भी आगे पीछे करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोला क्लास सिक्स में आप पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है, वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाए जाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके अंतर्गत में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, तो आप वो सारे पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ये डिवीजन के लिए, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये रूल सही है, 14 मल्टीप्लाइड 13 लिखिए या 13 मल्टीप्लाइड 48 लिखिए, सॉरी 48 है ये, 48 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू द 13 मल्टीप्लाइड बाई 48, ओके, तो चेक इफ़ इट इज़ ट्रू आर नॉट, इट इज़ ट्रू, ठीक है, आप लिखिएगा इट इज ट्रू, लिखिएगा इट इज ट्रू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, बिकॉज वी विल गेट सेम वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइड, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ओके यस। नेक्स्ट क्या है, हाँ राइट लेफ्ट राइट सेम टू सेम, हाँ लेफ्ट राइट सेम टू सेम, लेफ्ट राइट सेम टू सेम मतलब इधर भी वन है इधर भी वन है, ठीक है, इसको इफ वी विल इंटरचेंज द यूनिट डिजिट एंड हंड्रेड से डिजिट, ठीक है, ये आपका आपने पढ़ा है ना, ये आपका होता है वंस, ये होता है टेंस और ये होता है हंड्रेड्स, इफ़ वी विल राइट दी हंड्रेड्स डिजिट इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, ओके, एंड यूनिट डिजिट इन प्लेस ऑफ
100 digits, okay, then we will get same value. This is magic number, okay, वो आपका magic number होगा. ठीक, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं. तो वहाँ magic number बताया गया है, तो magic number ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कैसे करना है. अब मैं आपको ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, सीधे आपको मैं काम की बात बताता हूँ. यहाँ पे आपको बताया गया है 28, इधर मैं आपको बताता हूँ 28 दे के रखा है. तो अब इसका मैजिक नंबर हमको बताना है. तो आप क्या करोगे, इधर 28 था ना, 28 को क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 28, ओके. नाउ यू विल राइट 8, नाउ यू विल राइट 8 इन प्लेस ऑफ टेंस एंड 2 इन प्लेस ऑफ 1, ओके. देन यू विल ऐड इट, ओके, यस, प्लस आंसर विल बी 8 2, यस 10, कैरी 1, ओके, एंड 8 2 10, यस 110, यू विल गेट 110. आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपने 110 पा गए. अब फिर से आपको इसको डिजिट को इंटरचेंज कर देना है. मतलब आपको क्या करना है, जीरो को यू विल राइट 0 इन द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स, ओके, एंड 1 दिस 1, ओके, हंड्रेड प्लेस विच इज सिचुएटेड ऑन 100th प्लेस. यू विल राइट दिस डिजिट इन द प्लेस ऑफ वंस, ओके. इस वन को आप यहाँ पर के बीच वाला वन वहीं पे रहेगा, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है. तो आपका ऐसा हो गया. तो अब आप फिर से इसको जोड़ लीजिए, मतलब क्या हुआ आपका 110 प्लस 011. अब आप इसको ऐड करो 121, ओके, दिस इज योर मैजिक नंबर 121, दिस इज योर मैजिक नंबर, ठीक है. अब सिमिलरली वी विल डू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम इसी तरीके इसमें करेंगे 132 में. अब आपको हमने बता दिया करना क्या है, 132 दिया है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ साफ जगह ले लेते हैं, 132. अब 2 को हम इधर लिखेंगे, 1 को हम यहाँ लिखेंगे, 3 कांस्टेंट रहेगा बिना चेंज हुए. ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 3. तो आपको तुरंत ही मिल गया मैजिक नंबर. तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, 363 इज योर आंसर. यस, वी विल डू नाउ नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट करेंगे, कहाँ गया, हाँ 273. 273 इज सी, ओके, 273 ये यहीं पे करते हैं, 273, ओके, 273, यस, 7 विल बी कॉन्स्टेंट एंड 3 विल राइट हेयर एंड 2 विल बी हेयर, यस, यू विल एड, यस, 3 एंड 2 5, ओके, 3 एंड 2 5, 7 एंड 7 14, कैरी 1, 3 एंड 2 6, ओके, 3 एंड 2 6, यस, 645. ओ, दिस इज अ क्रिटिकल मैटर, यस, 645, ओके, एंड 5, 4 विल बी कांस्टेंट एंड 6, ओके, यस, यस. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 546 फ्रॉम 645.
546 हम घटाएंगे 645 से, क्यों? क्योंकि हमें तो ऐड करने पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है, हमें एडिशन पे तो आंसर मिलेगा ही नहीं। एडिशन पे हमको क्या मिल जाएगा, 6 + 5 1, ओके 6 + 5 1, एंड यहाँ पर देख 11 का 1 हो गया, तो आप 1 कैरी ले लिए, 4 4 8 9, ठीक है, और ये 6 + 5 11, ये देखिए हमको मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे अब, ये आपका गड़बड़ हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात, 6 5 11 हो गया, और आप कैरी ले लिए, और ये हो गया 9। अब 19 को तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बीच में 2 डिजिट आ गए, बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट हो गए, तो हमारा काम गड़बड़ हो गया, अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारा मैजिक नंबर आ जाए 5 - 6, यस इज नॉट पॉसिबल, यस सो इट विल बी 15, वी विल बोरो, वी विल गेट बोरो फ्रॉम 4, यस ये आपका हो जाएगा 9, और ये हो गया आपका 13, तो अब फिर से आ गया यहाँ आपका 9, ओ यस हो गया आपका काम, 5 - 5 0, सो मैजिक नंबर विल बी 99, समझ में आया ना, जीरो लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें जीरो नहीं लिखेंगे, हो गया। अब आप इसको कितना भी उल्टो पुल्टो, राइट टू लेफ्ट करो, लेफ्ट टू राइट करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, यस अभी क्या है, यस अब आप समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे, यस अब आपको एक स्पेशल तरीका बताया जा रहा है शब्दों का, नो लेमन इसमें बताया जा रहा है, नो लेमन्स नो मेलन्स, नो मेलन, अब इसको आप उल्टा पढ़ो, नो लेमन्स, ये फिर हो गया नो मेलन, ओके यस, स्टेप नॉट ऑन पिट्स, स्टेप नॉट ऑन पिट्स, ओके यस। अब आपसे बोल रहे हैं कि ऐसे आप भी बनाओ ऐसा कुछ स्पेशल, तो आप ये देख लो आप अपना स्पेशल, यस मैडम, मैडम इधर से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, मैडम आई आई रेस कार, ओके रेस कार, असंता एट नासा, ओके यस